नमस्कार दोस्तों, स्वर कोकिला स्वरों की रानी और सुरों की मलिका जैसे नामों से पहचाने जाने वाली सदाबहार सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया है। हमको ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लता मंगेशकर को प्यार से उनके चाहने वाले लता दीदी कहते थे। लता जी के दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में मौजूद फैंस के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर लता जी ने शादी क्यों नहीं की। तो आज हम आपको लता जी की मोहब्बत के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि लता जी को भी किसी से प्यार हुआ था लेकिन शादी नहीं हो पाई। उनकी ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। लता मंगेशकर को फिल्म इंडस्ट्री में करीब 70 दशक से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। उनके गानों और उनकी सुरीली आवाज़ की चर्चाएं इंडस्ट्री में खूब होती थी, लेकिन अफेयर के मामले में सिंगर का नाम सिर्फ एक शख्स के साथ जुड़ा। जी हाँ, लता मंगेशकर को भी अपने समय में प्यार हो गया था और वो भी उनकी इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। और वो शख्स थे दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष राज सिन्हा। लता जहां उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज पर मर मिटी, तो वहीं राज सिंगर की आवाज़ के कायल थे। राज सिन्हा लता मंगेशकर को मिट्टू नाम से बुलाते थे। कहा जाता है कि लता मंगेशकर और राज सिन्हा एक दूसरे के होने वाले थे, लेकिन जब राज सिन्हा ने शादी की बात अपने पिता महरावल लक्ष्मण सिन्हा ने शादी करने के उनके विचार को खारिज कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था? लता एक शाही परिवार से नहीं थी। ऐसे में ये रिश्ता टूट गया और दोनों का प्यार इतना गहरा था कि ना कभी लता जी ने शादी की और ना ही कभी राज सिन्हा ने किसी का साथ निभाया। दोनों ने भले ही शादी नहीं की, लेकिन वो हमेशा एक अच्छे दोस्त बन के रहे। इसके अलावा एक बात यह भी कही जाती है कि लता मंगेशकर का कहना है कि उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को चलते शादी नहीं की। उनके ऊपर बहुत कम उम्र में ही घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। बता दें कि पिता के निधन के बाद अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर ने ही अपने परिवार की देखभाल की, और यहाँ तक कि लता मंगेशकर अपने भाई बहनों को अच्छा जीवन देने के लिए खुद के लिए समय नहीं निकाल पाई। दोस्तों, ऐसी थी हमारी लता दीदी। तो दोस्तों, लता दीदी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।